हेलो बच्चों, प्रेम विद्या मंदिर हिंदी हाई स्कूल से मैं किशोर सर आज 12वीं क्लास के लिए कॉमर्स और आर्ट्स दोनों के लिए इकोनॉमिक सब्जेक्ट लेके आया हूँ, जिसमें पांचों चैप्टर जो गरीबी है वो मैंने स्टार्ट कर दिया था। सापेक्ष गरीबी, निरपेक्ष गरीबी किसे कहते हैं, और गरीबी का डेफिनेशन एंड गरीबी का मेज़र करने के लिए अमेरिकन ख्याल कौन सा है, इंडियन कॉन्सेप्ट कौन सा है, हम लोग कैलोरी को ध्यान में देते हैं, ठीक है, और अमेरिका में डॉलर के हिसाब से अगर प्रतिदिन कितने डॉलर कमाता है, या फिर गांव में, अर्बन एरिया में, यानी ग्रामीण इलाकों में, शहरी इलाकों में जो कमाते हैं उनको हिसाब से उन्होंने उसको बताया। आज हम पढ़ेंगे कि गरीबी के निर्देशांक कैसे पता चलता है कि हम लोग गरीब हैं, ऐसे क्या या फिर कौन से तत्व है जो हमको बताता है कि हम लोग गरीबी में जी रहे हैं। गरीबी की कक्षा और उसकी संरचना दर्शाने वाली बातों को गरीबी का निर्देशांक कहते हैं। देश में गरीबी को दर्शाने वाले विविध तत्वों को गरीबी के निर्देशांक के रूप में जाना जाता है। गरीबों और उसकी गरीबी के स्तर को पहचानने के लिए निश्चित निर्देशक उपयोगी है, जिसके द्वारा गरीबी के निश्चित स्वरूप और प्रमाण को जाना जा सकता है। गरीबी के निर्देशांक निम्नानुसार है, जिसमें पहला है प्रति व्यक्ति नीचा घरेलू उपभोग खर्च। प्रति व्यक्ति घरेलू उपभोग खर्च यानी एक वर्ष दौरान परिवारों द्वारा खरीदी गई सभी वस्तुएं और सेवाएं, टिकाऊ वस्तुएं जैसे कि कार, वॉशिंग मशीन, कंप्यूटर इत्यादि में बाजार मूल्य को उस वर्ष की जनसंख्या द्वारा भाग देने पर प्राप्त होता है। प्रति व्यक्ति उपभोग खर्च उस देश में रहने वाले लोगों के जीवन जरूरत एवं सुख सुविधाओं की वस्तुएं और सेवाओं की प्राप्ति दर्शाता है। विकासशील देशों में विकसित देशों की तुलना में प्रति व्यक्ति उपभोग खर्च बहुत कम होता है, जिससे जीवन की गुणवत्ता बहुत नीची होती है और गरीबी अधिक प्रमाण में देखने को मिलती है। विश्व के कुछ ऐसे देशों में प्रति व्यक्ति घरेलू उपभोग निम्न अनुसार है। यूएस के जो व्यक्ति है या यूएस जो देश है वो करीबन 31,469 डॉलर खर्च करता है प्रति व्यक्ति घरेलू उपभोग में। यूके जो है 25,828, और उसी प्रकार अगर हम भारत की बात करते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ 725 डॉलर जो है वो प्रति व्यक्ति उपभोग खर्च पर खर्च करता है। ये स्रोत WWW.WorldBankOrganization से लिया गया है। उपरोक्त जानकारी के अनुसार भारत में वर्ष 2005 में स्थिर भाव पर वर्ष 2014 के प्रति व्यक्ति घरेलू उपभोग खर्च 725 डॉलर था, जबकि यूएस में 31,469 डॉलर और यूके में 25,828 डॉलर, जापान में 22,149 डॉलर, पाकिस्तान में 603 डॉलर जितना खर्च देखने को मिलता है। भारत में प्रति व्यक्ति घरेलू उपभोग खर्च यूएस और यूके जैसे विकसित देशों की तुलना में बहुत कम देखने को मिलता है। दूसरा कारण या दूसरा निर्देशांक है कुपोषण का प्रमाण। कुपोषण एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें व्यक्ति द्वारा ली गई खुराक भोजन में पर्याप्त मात्रा में कैलोरी, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन और मिनरल्स का समावेश नहीं होता। भारत में कृषि उत्पादन अधिक होने के बावजूद भी नीची प्रति व्यक्ति आय और आय की असमान वितरण के कारण कम आय वाले वर्ग को पर्याप्त पोषण युक्त भोजन प्राप्त नहीं होता। भारत में कुपोषित व्यक्तियों की जानकारी ये रही। कहते हैं 1990-92 में भारत में कुल 23.7% कुपोषित व्यक्ति थे, 2002 में 17.5, और आज 2014-16 की बात करते हैं तो 15.2% लोग कुपोषित हैं भारत में। उपरोक्त तालिका से दर्शाए अनुसार वर्ष 1990 और 1992 के समय काल में भारत में कुल 23.7 जनसंख्या कुपोषित कम भोजन प्राप्त करती थी। वर्ष 2002, वर्ष 2005, 2007, वर्ष 2010, 2012 समय काल में क्रमशः 17.5%, 20.5%, 15.56%। विश्व में खाद्यान्न सुरक्षा की परिस्थिति 2016 पर से FAO के अहवाल के अनुसार भारत में कुपोषण कम भोजन प्राप्त जनसंख्या का प्रमाण विश्व में दूसरे क्रम पर आता है, जो गरीबी का निर्देशांक दर्शाता है। यस, हम दूसरे क्रम पे आते हैं, यानी कि पहले क्रम पे कोई एक ऐसा देश है जिसमें कुपोषण हमारे देश से ज़्यादा है, और हमारा देश कुपोषण के मामले में दूसरे क्रम पे आता है। और तीसरा अगर निर्देशांक कहूँ तो अपेक्षित आयु और बाल मृत्यु दर।
जन्म के समय अपेक्षित आयु अर्थात नवजात शिशु औसत कितने वर्ष तक जीवित रहेगा, ऐसी अपेक्षा रखना। देश में रहने वाले लोगों का औसत अपेक्षित आयु निश्चित करने में पर्याप्त पोषण युक्त आहार, स्वच्छता, पीने का शुद्ध पानी, स्वच्छ स्वास्थ्य सेवाएं इत्यादि पर आधारित है। गरीब व्यक्तियों को इन प्रकार की सुविधाएं कम प्राप्त होने से उनकी औसत आयु नीची रहती है। बाल मृत्यु दर अर्थात कि 1000 जीवित जन्मे बालकों में से एक वर्ष में कम समय अवधि में मृत्यु पाने वाले बालकों का प्रमाण। बाल मृत्यु दर का प्रमाण स्वास्थ्य सेवाएं की उपलब्धता, माता के शिक्षा का प्रमाण, बालकों में रसीकरण, पोषण युक्त आहार इत्यादि पर आधारित होता है। बाल मृत्यु दर में भी कमजोर स्वास्थ्य की सेवाओं के संदर्भ में गरीबी का निर्देशांक होता है। विश्व में कुछ ऐसे देशों में जन्म के समय अपेक्षित आयु और बाल मृत्यु दर निम्न प्रकार से दर्शाई गई है। आप तालिका से देख सकते हैं बच्चों। ओके, तो आप देख सकते हैं नॉर्वे की बात करते हैं। नॉर्वे में औसतन एक व्यक्ति 81.6 यानी करीबन 81 साल तक जीता है और वहाँ पे 1000 बालकों के सामने एक वर्ष में सिर्फ और सिर्फ 2 बच्चों की मृत्यु होती है। अमेरिका में करीबन 80 साल तक व्यक्ति जीता है और 6 बच्चे की मृत्यु होती है। लेकिन अगर हम भारत की बात करते हैं, यहाँ पे 68 साल तक एवरेज एक व्यक्ति जीता है पूरे जीवन काल में, और यहाँ पे 1000 बच्चों के सामने करीबन 40 बच्चों यानी 39 बच्चों की मृत्यु हो जाती है। और इसके कारण ये है, उपरोक्त दर्शाई गई जानकारी के अनुसार नॉर्वे में जन्म के समय अपेक्षित आयु 81.6 वर्ष की थी, जबकि अमेरिका में 79.1 वर्ष, श्रीलंका में 74.9 वर्ष, चीन में 75.8 वर्ष, जबकि भारत में 68.0 वर्ष देखने को मिलती है, जो चीन श्रीलंका जैसे देशों की तुलना में बहुत कम है। बाल मृत्यु दर में मामले में नॉर्वे में प्रति 1000 जन्मे बालकों में से मृत्यु दर का प्रमाण 2, अमेरिका में 6, श्रीलंका में 9, चीन में 10 और जबकि भारत में 39 जितना अधिक देखने को मिलता है।